ईडी दफ्तर के बाहर लेकर के जा रही है। पटना का ईडी दफ्तर है, लेकिन यहाँ राजा शमशेर जो उनको तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कोर्ट लेकर के जा रही है, उनको ये नजारा है पटना के ईडी दफ्तर का। लेकिन जेडीयू एमएलसी राजा इस तरीके से किया जा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। सेठ जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ प्रियदर्शन। जदयू एमएलसी राधाचरण साह की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ईडी की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी कि अगले 14 दिनों तक जदयू एमएलसी राधाचरण साह अब जेल में रहेंगे। दरअसल अवैध बालू उत्खनन से जुड़े हुए कई प्रकार के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे अब राधाचरण साह पर, इसे लेकर के ईडी ने एक दिन पहले ही राधाचरण साह की गिरफ्तारी की थी। इसके पहले पटना और आरा स्थित जेडीयू एमएलसी के जो अलग अलग परिसर हैं उन जगहों पर छापेमारी हुई थी, और तमाम चीज़ों के बाद बुधवार की देर शाम राधाचरण साह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें आरा से पटना लाया गया और गुरुवार को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां अब उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल जदयू एमएलसी राधाचरण साह को लेकर के पिछले लंबे अरसे से केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना शिकंजा कसे हुए हैं। इसके पहले भी राधाचरण साह और उनके बेटे कन्हैया दोनों से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। यह पूछताछ पिछले सप्ताह हुई थी, लेकिन पूछताछ के बाद अचानक से एक दिन पहले ही ईडी ने एक जोरदार छापेमारी उनके अलग अलग परिसरों पर की, और आरा स्थित जो उनका फार्म हाउस है उस फार्म हाउस पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की ये जो टीम थी यह 4 गाड़ियों के साथ पहुंची थी और उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी वहां पहुंचे थे। तमाम लोगों ने वहां करीब 6 से 8 घंटे तक राधाचरण साह के जो ठिकाने हैं उसे पूरी तरीके से खंगाला, और उसके बाद बुधवार की शाम उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अब गुरुवार को आज जब विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पटना में उन्हें हाजिर किया गया है, तो इस दौरान न्यायालय से जो उनको रिमांड के लेने की बात की गई थी, तो इसके बाद अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जदयू एमएलसी को भेज दिया गया है। दरअसल जो राधाचरण साह हैं ये जदयू के एमएलसी हैं, और इनके अलग अलग जो कारोबार हैं उसमें बालू खनन से जुड़ा हुआ मामला भी जुड़ा हुआ है। इसमें बताया जाता है कि इनके ऊपर अवैध तरीके से धन अर्जित करने, भ्रष्टाचार करने और अवैध उत्खनन को बढ़ावा देने के अलग अलग आरोप लगे थे। इन तमाम चीज़ों से इन्होंने अकूत संपत्ति बनाई, और करोड़ों की जो ये अकूत संपत्ति बनाई इसी को लेकर के ये केंद्रीय जाँच एजेंसियों के रडार पर आए, जिसके बाद इनके खिलाफ ईडी ने अपना शिकंजा कसा है, और प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इनसे लंबी पूछताछ के बाद जब उनके यहाँ एक दिन पहले छापेमारी हुई तो उसके बाद छापेमारी के अंतिम सिले के रूप में उनकी गिरफ्तारी हुई है, और अब उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि अगले 14 दिनों तक जदयू एमएलसी राधाचरण साह अब जेल में रहेंगे। तो जदयू जो कि बिहार में मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी है और ये राज्य में सत्तासीन है, उसके लिए यह एक बड़ा झटका है कि नीतीश कुमार बिहार में सुशासन की सरकार चलाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के एक एमएलसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, और न केवल आरोप लगे हैं बल्कि अब प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, और अब तो न्यायालय ने जो कि विशेष एमपी एमएलए कोर्ट है उसने राधाचरण साह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दफ्तर के बाहर लेकर के जा रही है। पटना का ईडी दफ्तर है, लेकिन यहाँ राधाचरण से जो उनको तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कोर्ट लेकर के जा रही है, उनको ये नजारा है पटना के ईडी दफ्तर का। लेकिन जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह तरीके से किया जा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सेठ जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ये नजारा है आपको क्या कहिएगा, क्या कहिएगा सर, ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और इनको लेकर के सुरक्षा